उम्मीद विद जाकिर खान। कोशिशें दो तरह की होती हैं, एक कमजोर कोशिश और एक ताकतवर ईमानदार कोशिश। पर उसमें क्या है कि पहलू की भी बात है कि कौन सी आपने बड़ी ताकत और ईमानदारी से कोशिश की पर वो शायद कमजोर रह गई। उसी तरह की कोशिश जो है हमने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा के की और वो कितनी कमज़ोर रही, कितनी कामयाब रही, उसका फैसला जो है वो आप सब लोगों के हाथ में रहा है। वो ये शो है उम्मीद, और ये कोशिश जो है अपने मकाम पे पहुंची, अपने अंजाम पे पहुंची। आज इस सीरीज़ का, ये इस सिलसिले का वो आखिरी एपिसोड है जब आपकी और मेरी यहाँ पे इस शो के ज़रिए बात हो रही है। मेरा नाम है जाकिर खान और आप सुन रहे हैं उम्मीद। बड़ा खूबसूरत सा सफ़र रहा, बहुत सारे अपने दोस्तों से मैंने शो पे बात करी, उन सब चीज़ों के बारे में बात की जिनके बारे में मैं असल में बात करना चाहता था, जिन चीज़ों के बारे में मैं अपने भाइयों से बात करना चाहता था, अपने दोस्तों से बात करना चाहता था, अपने प्यारे लोगों से बात करना चाहता था। और वैसे ही एक बार मजाक में वो रेखता वाले वीडियो में कहा था ना कि अपने फैंस नहीं होते, अपने दोस्त होते, तो सोचिए कि आप लोगों से तो करनी पड़ेगी ना फिर ये बात। इस सफ़र की जो सबसे खूबसूरत बात ये रही कि मेरे बहुत सारे दोस्तों से आप लोगों का रابطہ हुआ, उनकी कोई बात अगर आपके दिल तक पहुंची हो, पसंद आई हो, चाहे वो कुमार वरुण हो या हुसैन दलाल हो या तन्मय हो या निशांत तंवर हो या प्रशस्ति हो, इन सब में से किसी की भी बात अगर आपके दिल तक पहुंची हो तो उन्हें ज़रूर लिख के बताइएगा और उन्हें लिखिएगा कि आपको कौन सी बात पसंद आई और क्यों पसंद आई और हमारी बातचीत का कौन सा हिस्सा जो था वो आपके दिल तक पहुंच पाया। क्योंकि क्या होता है ना कि इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो कॉमेडियन हैं या कॉमेडी एक्टिंग करते हैं या लिखते हैं, जबकि उनकी बातें बहुत समझदार हैं और मुझे बड़ी उम्मीद है, मैं चाहता हूँ कि वो और भी इस तरह की बातें करें। तो अगर आप उनको लिख के भेजेंगे ना तो शायद वो अप्रिशिएट होंगे। जैसे कुमार बहुत अच्छा बोलते हैं, तन्मय का दिमाग बहुत तेज़ है, प्रशस्ति कितना प्यारा बोलती है, और वो अगर इस तरह की बातें और करेंगी तो मेरे ख्याल से उनके जो चाहने वाले लोग हैं, उनको जो लोग बहुत आर्डेंटली फॉलो करते हैं, उन तक उनके वो दिमाग की वो बातें, दिल की वो बातें पहुंचेंगी। क्योंकि क्या है ना कि ये लोग जिस तरह की ज़िंदगी जीते हैं उसमें इनका सबका बड़ा मानना है कि अरे जोक करना है, जोक करना है। वो लोग ना इस तरह की बातें मुझसे तो कर लेते हैं पर उसके बाहर नहीं करते, और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि वो लोग इस तरह की बातें ज़रूर करें, क्योंकि उनको बहुत सारे लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं और उन तक इस तरह की बातें, उनके इस तरह के ख्यालात जब उनके पहुंचेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों को मदद मिलेगी और उसकी ज़रूरत उनके उनके फैंस को होगी जो शायद मेरा शो नहीं सुनते हैं या मुझे नहीं जानते पर उन्हें जानते हैं। तो अगर आप उनको वो अप्रिसिएशन का लेटर भेजेंगे ना, वो ख़त भेजेंगे, वो मैसेज अगर आप उन तक पहुँचाएँगे तो उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, उनका थोड़ा हौसला बढ़ेगा। इतनी उम्मीद हम सब ने मिलकर आपको दी, एक छोटी सी उम्मीद उसके बदले में आप मेरे ख्याल से तो दे ही सकते हैं। आज आपको एक किस्सा सुनाता हूँ अपनी नौकरी के दिनों का और उसी से मुतालिक जो है आज की कॉन्वर्सेशन हमारी रहेगी। तो क्या हुआ कि हम जब शुरू में नौकरी करना शुरू की तो बड़े साहब एरोगेंट है ना, ऐसे वो हुआ करते थे कि साहब अरे हमें तो बहुत आता है, हम सब कर लेंगे टाइप का। तो हम एक बड़ी मार्केटिंग मीटिंग में बैठे थे जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोग थे और हम नए जूनियर कॉपीराइटर टाइप पैसे कुछ भी है ना, पर वही है ना अपनी ज़िंदगी ट्रिपल ए पे चलती है, अकड़ ऐंठ और एटीट्यूड, ठीक है। तो हम वहाँ बैठे हुए और अपना समझ रहे कि क्या है क्या नहीं है। तो बार बार वो मार्केटिंग वाले से हम वो कुछ कह रहे थे कि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो हम उसका उलट कह रहे थे कि हमें नहीं लगता हमें ऐसा होना चाहिए। और हम अपने, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा था, जो शो हमने लिखा था उसके बारे में बात हो रही, तो हम अपने तासुरात के माने होते हैं अपने थॉट्स हम रख रहे थे, हम अपने तासुरात रख रहे थे। और वो क्योंकि बहुत सीनियर पोजीशन पे थे और तो बड़ा गुस्सा हो गए, वो चिड़बिड़ गए। ब्रेक हुआ मीटिंग के बीच में, हम बाहर आए चाय पीने खड़े थे और वो मेरे बगल में आके बोली कि यू नो व्हाट, You should be very thankful to the job you have got, because this is the maximum you will ever achieve in your life. और हम बड़े वैसे हो गए, मतलब कहते कि तुमको पता है एक बात, और ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा कहता है
कि 98% सक्सेसफुल लोग जो हैं दुनिया के, सुनिए जरा गौर फरमाइएगा इस बात पे, उन्होंने कहा कि तुम्हें बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए जिस ओहदे पे तुम पहुंचे हो, वो बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए, क्योंकि इसके आगे तुम जिंदगी में जा नहीं पाओगे, क्योंकि डेटा स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि दुनिया के 98% सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो अच्छी परवरिश के, अच्छे माँ बापों के, बहुत गुड लुकिंग लोगों के, जो गुड लुकिंग बच्चे होते हैं, जो बहुत पैसे वाले घरों से होते हैं, सिर्फ वही लोग हैं जो 98% सक्सेसफुल होते हैं। तो मैंने कहा 2%? बोले 2% उनके अलावा भी होते हैं। मेरी चाय आ चुकी थी, मुझे वहां से जाना था। मैंने अपना चाय का कप उठाया और कहा कि सर चिंता मत कीजिए, मैं उन्हीं में से हूं। आज उसी बारे में बात करेंगे कि क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता, या हमारी किस्मत किसी ने लिख दी है, या वो कोई और ही परवरिश के, वो कोई और ही ओहदे के, किसी और ही फाइनेंशियल स्लैब के लोग हैं जिनके लिए ज़िंदगी बड़ी आसान और कामयाब रहेगी, और हमारे लिए बिल्कुल मरमर घिस घिस घसीटते हुए रेंगते हुए ये हम पलने बढ़ने वाले हैं, हम हमारी साथ पुश्तें क्या वैसे ही कटेंगी। उस सवाल के कुछ जवाब हैं जो मैंने ढूंढे हैं, कुछ बेइज्जतियों से मिले हैं और कुछ लड़कर लिए हैं, सब इकट्ठी एक उम्मीद है जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। मेरा नाम है जाकिर खान और आप सुन रहे हैं उम्मीद। उम्मीद विद जाकिर खान। तो ये आखिरी एपिसोड है और जहां से शुरू हुई थी बात वहीं पे दोबारा खड़े हैं हम लोग, है ना। और जो 2% क्लब वाली बात है उसके बारे में आज बात कर रहे हैं, और मेरे एक बहुत अजीज दोस्त दोबारा आज हमारे साथ शो पे जुड़े हैं, ठीक है। पिछली बार भी मैंने आप लोगों से उन्हें मिलवाया था। इस बार मैं जाकिर भाई का इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि जाकिर भाई के हमेशा, अरे नाम बता दो ना पहले अपना। मैं हुसैन दलाल। हाँ। मैं जरूरी नहीं हूँ, जाकिर भाई जरूरी हैं। जाकिर भाई का इंट्रोडक्शन मैं ये देना चाहता हूँ कि 2017 में जाकिर भाई से मुलाकात हुई मेरी, और 2017 से मैं उनके काम से अब चुराता हूँ और अपने काम में डालता हूँ, और 2017 के बाद मेरे एंड तक मेरे काम में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो शायद जाकिर भाई का है, और मेरी सारी कामयाबियों में आपको जाकिर भाई दिखेंगे और मेरी गलतियों में मैं ही हूँ सिर्फ। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन फॉर जाकिर भाई। ये इतना ज्यादा क्यों बढ़ा दिया भाई? इसको हम यहां, ये सच्चाई है, दिस इज एक्चुअली बहुत, ये बहुत सीधी सच्चाई है। तो हुसैन है, हुसैन आपको सबको पता है बहुत बड़े राइटर हैं, और इनकी बहुत सारी फिल्में हैं, ये जवानी है दीवानी से लेकर तो कलंक से लेकर तो जवानी जाने मन से लेकर तो ऐसी, और क्या है वो साहो और ना जाने क्या 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 क्या, है ना, सब जो है हुसैन का काम है बहुत सारा। आप देखेंगे, गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। ये उन लोगों में से जिन्हें अपना तारुफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्होंने कहना तो बस गूगल कर लीजिएगा, ठीक है, माफ़ी चाहते हैं हम। तो हुसैन भाई, जो आज आपने सुना जिस तरह से बात कर रहे थे जी, कि एक वो है ना कि सब इसी तरह के लोग सक्सेसफुल होते हैं, ये लोग कर पाएंगे, ये तो हमारा है ही नहीं, है ना। आपका भी जिस तरह का बैकग्राउंड रहा है, है ना, उसके अंदर कहीं भी ये वाला था नहीं कि आप कुछ करोगे या आप एक्टर बन सकते हो, और वैसे हुसैन बहुत अच्छे एक्टर भी है ना, काफ़ी फिल्मों में आपने उनको देखा होगा, एक्टर बन सकते हो या राइटर बन सकते हो, तो ये बिलीफ कहाँ से आता है, ये उम्मीद कहाँ से आती है? उम्मीद जैसे शो का नाम भी उम्मीद है, मुझे हमेशा लगता है कि उम्मीद अक्सर बर्बादी के नीचे छुपी होती है। पूरी बर्बादी को अगर आप टटोल लो ना तो नीचे उम्मीद मिलेगी, बट लोग अक्सर बर्बादी देखकर भाग जाते हैं। अगर आप हिस्ट्री का नेचर देखो, इतिहास की फितरत है, इतिहास की फितरत यह है कि इतिहास अक्सर बर्बादी में बनता है। तो इतिहास की सारी कहानियां बर्बादी की कहानियां है, देखने में बर्बादी की कहानी लगती है। तो किसी ने आज तक आराम करके गुड लुकिंग होके इतिहास नहीं बनाया है शायद। तो दुनिया के 98% कामयाब लोग शायद गुड लुकिंग और प्रिविलेज्ड हों, लेकिन इतिहास तो वो 2% नहीं बनाया है जिनके ख्वाब पे दुनिया हंसी थी।
हाँ, जिनके ख्वाब पे दुनिया सी थी। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार इंदौर से दिल्ली जा रहा था जी, और मैंने बोला कि मुझे राइटर बनना है यार, मुझे कुछ अपना या तो रेडियो में काम करूँगा या राइटिंग करूँगा, तो जो साइबर कैफे वाला लड़का था जी, उसने बोला कौन तू? आज आज वो कहीं बैंक में काम करता है अहमदाबाद में, मैं जब भी शो करने जाता हूँ तो वो ज़रूर मिलने आते हैं मुझसे, है ना। वो बेचारा अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल ही कर रहा था, और वो हर बार मतलब वो बात ना उसको बड़ी वो है कि यार सुनो यार, अरे तुमने यार बोला था यार कि तुम कुछ बनोगे यार, और देखो तुम बन गए यार, मतलब और यार मेरे को याद है मैं हंसा था यार तुम पे, है ना। और वो बात है ना कि आपके ख्वाबों पर किसी को भरोसा ही नहीं है, पर आपकी मेहनत पर अगर आपको भरोसा है तो जो 98% लोग जो कह रहे हैं ना, उसको आप झुटला के अपने 2% की जगह बना सकते हो आपस में। और मज़ा यही है एक्चुअली, ये बहुत अच्छा माध्यम है उन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए जिन्होंने हम में यकीन नहीं किया। हाँ, क्योंकि अगर वो यकीन कर लेते तो हमें ऐसा लगता है हाँ ठीक है कर लेंगे हम कुछ, तो हम भी उन 98% में चले जाते, हमें भी आ जाता आराम और प्रिविलेज यकीन का किसी के। यकीन का वो शायद सक्सेस भले ही नहीं आती उसकी 98% की, पर उसका प्रिविलेज आता है। और जो 2% वाली बात है ना, वो उम्मीद की बात है, और इसीलिए शो का आखिरी एपिसोड वो है। क्योंकि क्या है कि आप को सब बता रहे हैं कि नहीं बेटा वो किसी और का काम है, नहीं बेटा कोई और करेगा, नहीं वो अलग लोग होते हैं जो वो सब करते हैं, नहीं वो अलग इंसान, उनकी परवरिश, उनकी पैदाइश, उनका दिखना, उनका रहना सहना, उठना बैठना अलग है, हमसे अलग है, हमसे अलहदा है। लेकिन नहीं यार, हम भी कर सकते हैं वो, और हमें करना है। और हम मतलब हम भी, आप भी जो सुन रहे हैं वो भी, हम सब उस 2% में से है। और पता है इसकी सबसे खूबसूरत बात क्या है कि चाहे कामयाब लोगों के हम सिर्फ 2% हो, है ना, लेकिन इस मुल्क के 98% लोगों में से हम आते हैं, है ना। हम इस मुल्क की सबसे बड़ी भीड़ में से निकल के आए हैं, और अगर मैं आ सकता हूँ और हुसैन दलाल आ सकता है ना, तो मैं आपको यकीन दिला के कह सकता हूँ कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको यहाँ आने से नहीं रोक सकती। और मैंने आके देखा है, मैंने ये कहा है आपको पहले भी, और ये आप याद रखना, ये याद रखना कि बदतमीजी मत कर देना कोई आपके ख्वाब पे हंस दे तो, हाँ उन पे मुस्कुरा देना, आप सही निकल जाओ, क्योंकि उन्हें कम पता है, वो कम जानते हैं आपके ख्वाबों के बारे में, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि उसके लिए मेहनत आपको करनी है, है ना। उसकी हार आप देखोगे, उसकी जीत आप देखोगे, क्योंकि आपका बड़ा पर्सनल है, तो उन्हें जाने दो, उन्हें हंसने दो जो वो बोल रहे हैं, है ना। पर ये कि अपने ख्वाब को कभी छोटा मत कीजिएगा। और एक जस्ट टू ऐड के आप, आपके गली चौराहे, आपकी 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 आप जिस शहर में रहते हो, जिस गली में रहते हो, जिस चौराहे में रहते हो, उस चौराहे का नाम है ना, वो उन 2% लोगों में से है जिनके ख्वाबों पे कोई हंसा था। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई, आप आए हमारे शो पे, भाई मुझे बुलाने के लिए और मुझे सुनने के लिए शुक्रिया भाई। खैर, ये थे मेरे दोस्त हुसैन दलाल, बड़ा खूबसूरत सफ़र रहा आप लोगों के साथ। इस बीच कोई गलती अगर हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा, अपनी छोटी ज़िंदगी की जितनी भी समझ रही उसके हिसाब से ये छोटी छोटी चंद कुछ बातें हैं वो कहने बताने समझाने की कोशिश रही है। अगर आप किसी बात से इत्तफाक ना रखते हो तो मुझे कम पता है ये सोचकर माफ़ कर दीजिएगा, और अगर कोई ऐसी बात है जो आपके दिल तक पहुंची, आपको पसंद आई, तो ज़रूर लिख के बताइएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, सिर्फ मुझे ही नहीं, मतलब कहना कि उतना माइट नहीं है अपना, तो अपना काम जो है उतना ज़्यादा लोगों तक हम नहीं पहुंचा पाते अक्सर जितना हम चाहते हैं या जितना वो काम डिज़र्व करता है। उम्मीद है कि ऐसी कोशिश रही है जो मेरी रोज़ी रोटी है उससे थोड़ा सा अलग हट के रहा है, तो अपनी तरफ से इसको ज़्यादा से ज़्यादा बांटिएगा। उसके अलावा जो है अपनी सेहतों का ख्याल रखिएगा, आसपास के लोगों से प्यार कीजिएगा, और एक बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि अपने रिश्ते मजबूत रखिएगा, उन्हें संभाल के रखिएगा, क्योंकि जिसके रिश्ते सही रहते हैं ना, उसके पास कामयाबी नाकामयाबी, अमीरी गरीबी, कम उम्र ज़्यादा उम्र, मोटापा पतलापन, रंग सांवला गोरा, इस सब के होने और नहीं होने के बावजूद भी वो लोग खुश रहते हैं जो अपने रिश्ते संभाल के रखते हैं, जो अपने लोगों में अपनापन बना के रखते हैं। तो एक आखिरी नसीहत है जो मेरी तरफ से आप रख लीजिए। उसके अलावा जो है 2% की बात तो आपने सुनी ली, मैंने करके देख लिया है, आप भी कीजिएगा, हो जाता है। बस इसी उम्मीद के साथ आप लोगों को छोड़े जा रहा हूँ, इस सीज़न का ये आखिरी एपिसोड है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत सारा प्यार, और अलविदा, शब्बा खैर।
मेरा नाम है जाकिर खान और आप सुन रहे हैं उम्मीद। अल्लाह हाफिज। उम्मीद विद जाकिर खान।